हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोमैन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स की, कि अलग अलग तरह की कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं और वो एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी बीमारी में यूज़ में ली जाती हैं। इसके अलावा हम उसकी डोजेस देखेंगे, डोज के अलावा उसके जो यूजेज़ हैं वो हम देखेंगे, और उसके साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किस किस में हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी जाने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, उनके एजुकेशन पर्पज के हिसाब से। तो इस वीडियो को देख करके आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट फॉलो ना करें, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। ये जो मेडिसिन है वो है, इट इज़ ए एंटीबायोटिक्स विच ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो डिफरेंट टाइप्स के कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है सिफेक्सिन एंड पोटेशियम क्लोरलेट टैबलेट के नाम से आ जाती है, और जिसमें इसका जो नाम है वो है टैक्सिम ओ सी वी 200। तो 200 क्यों है, इसकी 200 ये मिलीग्राम में आती है इसलिए। तो ये है 200 मिलीग्राम सिफेक्सिम होता है इसमें, एंड दिस इज़ बिलोंग टू सिफेलास्पोरिन क्लास मेडिसिन। जो मेडिसिन की जो क्लास होती है एक सिफेलास्पोरिन, उससे ये क्या करती है, ये मेडिसिन बिलोंग करती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसमें 10 ब्लिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और 10 टैबलेट ईच। सब में क्या होती है, एक में एक ब्लिस्टर्स में कितनी होती है, 10 टैबलेट्स होती हैं। अब इसकी डोज है वो कितनी होती है, एडल्ट में इसकी जो डोज होती है वो 200 मिलीग्राम बीडी दी जाती है। ये बीडी मतलब 200 मिलीग्राम की क्या आ जाती है, एक टैबलेट आती है, और एडल्ट में इसको यूज़ किया जाता है। एडल्ट में यूज़ करते हैं इसको बीडी, मतलब सुबह शाम इसको देते हैं खाना खाने के बाद। और इसकी अधिकतम डोज कितनी दे सकते हैं, इसको 3 दिन और 5 दिन तक इसको दे सकते हैं। चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो चिल्ड्रन में ये होती है 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट एक दिन में, ठीक है। मतलब किसी बच्चे का अगर वेट 1 किलो है तो उसको 4 मिलीग्राम एक दिन में दी जाएगी टैबलेट ये। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि एज इसको देने के लिए कम से कम 18 साल की होनी चाहिए एज, और जो वेट है उसका 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों में अगर आप इसको देते हो तो फिर इसकी डोज की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अब इसके जो यूजेस हैं, किस किस में इसको यूज़ करते हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इस टैबलेट को लिया जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, जैसे ब्रोंके होते हैं ना उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी तरह का, जैसे आपको इसमें दिख रहा है फिगर में, एक नॉर्मल जो ब्रोंकस है वो कैसा होता है, इसके बाद अगर उसमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है तो कैसा हो जाता है, उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लंग इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, जो थ्रोट में क्या होता है टॉन्सिल होते हैं उसमें क्या जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसमें ये वाली जो मेडिसिन है बहुत ही बेनिफिट करती है, बहुत अच्छा उसमें असर दिखाती है। ये जो जैसे कि थ्रोट में ये देख रखा है आपने, ये क्या होते हैं, टॉन्सिल होते हैं, नॉर्मल जो टॉन्सिल है वो इस तरह के होते हैं, और उसमें स्वेलिंग आ जाती थी, वाइट वाइट कलर के आपको जो पेचेस दिख रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं। तो ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं उसमें ये मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल होती है। इसके अलावा जो UTI होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल में या मेल में किसी में भी, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वैसे तो नॉर्मली जो अधिकतर मेडिसिन होती हैं उनमें जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक वगैरह, कॉन्स्टिपेशंस है, ये होते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी क्या होता है साइड इफ़ेक्ट, जैसे स्टोमक पेन हो गया, नोजिया हो गया, हेडेक हो गया, और
कॉन्स्टिपेशन हो गया। यू नो नॉर्मली जो दवाइयाँ लेते हैं उनमें अधिकतर होते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, हल्के फुल्के होते हैं जो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब इस मेडिसिन को किस में यूज़ नहीं ले जाना, कौन से ऐसे पेशेंट हैं, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो अगर हम बात करें तो जैसे प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, उसमें मोस्टली दवाइयों को, ड्रग्स को क्या किया जाता है, अवॉइड ही किया जाता है। बिना डॉक्टर की सलाह के प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की सलाह नहीं दी जाती है। डॉक्टर की सलाह से ही उस प्रेग्नेंट लेडी को क्या करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं। सीज़र्स हो गया, किसी को अगर क्या होता है, बहुत सीज़र आ रहे हैं, तो उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके अलावा ड्रग एलर्जी, अगर किसी को, किसी पर्सन को कोई विशेष प्रकार कोई दवाई से क्या है एलर्जी है, तो उसको भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आज के वीडियो में मैंने आपको एक एंटीबायोटिक के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।